नवरात्र के साथ देश में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो गई है। दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी तक चलने वाले इस सीजन में इस बार राजस्थान में 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। इसके लिए नवरात्रि से ही कारोबारियों ने वाहन, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न उत्पादों पर नई स्कीम्स लॉन्च कर दी है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान दीपावली उत्सव को लेकर तैयार है, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो या ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक या गारमेंट सेक्टर। मिठाई कारोबारी भी इस बार उत्साहित है, फसल बेहतर हुई है, मानसून जबरदस्त रहा है। ऐसे में दीपावली पर दीयों में तेल अधिक रहेगा, यानी खर्च की सीमा बढ़ने वाली है। बाजार के जानकारों की माने तो इस बार 15,000 करोड़ से अधिक का कारोबार राजस्थान में होगा। करीब 5,000 करोड़ का कारोबार अकेले रियल एस्टेट सेक्टर में रहेगा। नए विलाज, प्रॉपर्टी प्लॉट बिकने की पूरी उम्मीद है, साथ ही फ्लैट्स में भी बूम आने की पूरी संभावनाएं हैं। जयपुर में प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करें तो प्राइस चारों इलाकों में जबरदस्त तरीके से बढ़े हुए हैं। रिंग रोड से पहले करीब 25% का इजाफा बाहरी इलाकों में हुआ है और ये राशि अभी भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि बायर्स की मौजूदगी के मुकाबले प्लॉट्स की संख्या कम होने से रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइस में भी बूम आएगा। ऑटो सेक्टर में बाइक, कार, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड जबरदस्त तरीके से है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी नवरात्रि के साथ साथ दीपावली पर कारोबार में जबरदस्त बूम की उम्मीद है। टीवी सेगमेंट के साथ साथ नए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और घर को स्मार्ट बनाने में सहयोगी उत्पादों की जबरदस्त तरीके से डिमांड है। ज्योतिष आचार्यों की माने तो इस बार दीपावली पर 4 राजयोग बन रहे हैं। ज्वेलरी, सोना, चांदी, फर्नीचर, कपड़े, प्रॉपर्टी खरीदने के सबसे बेहतरीन मुहूर्त इस बार दीपावली पर आ रहे हैं। यह इस बार एक अलग तरीके का माहौल भी खरीदारी के लिहाज से देखने को मिलेगा। हालांकि एक राय दीपावली मनाने को नहीं है कि 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। हालांकि ज़्यादातर जो ज्योतिषाचार्य हैं वो कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को दीपावली रहेगी। हालांकि कुछ जगह 1 नवंबर को भी दीपावली मनाने की बात की जा रही है। हालांकि इससे प्रॉपर्टी पर किसी तरह का नुकसान संभावित नहीं है। सेगमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में करीब 3500 करोड़ का कारोबार संभावित है। प्रॉपर्टी सेक्टर में 5,000 से 5,500 करोड़ रुपए का कारोबार संभावित है। ज्वेलरी सेक्टर में 3,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1,000 करोड़, मोबाइल सेगमेंट में 350 करोड़, लैपटॉप गजेट्स में भी करीब 350-300 करोड़ के आसपास का कारोबार रहेगा। गारमेंट सेक्टर इस बार बूम पर रह सकता है, 250-300 करोड़ रुपए का कारोबार यहाँ संभावित है। बर्तन और अन्न की खरीदारी भी 200-250 करोड़ रुपए तक हो सकती है। डेकोरेटिव लाइट का कारोबार भी इस बार ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, 70-100 करोड़ के आसपास ये कारोबार रह सकता है। ऑटोमोबाइल फेस्टिवल का सीजन शुरू हो गया नवरात्रा से और अगले 42 दिन और उसके बाद वैवाहिक सीजन में भी इसके लगातार आगे बढ़ने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में एडवांस बुकिंग्स हैं, नए मॉडल्स विभिन्न कंपनियों ने निकाले हैं जिनका लाभ मिल सकता है। साथ ही अब तक का ऑल टाइम हाई डिस्काउंट ऑफर भी यहां पर मौजूद है जिसका फायदा उच्च वेरिएंट में लोगों को मिल सकता है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट साई गिरधर का कहना है कि कंपनियों को 42 दिनों में राजस्थान में करीब 3.5 से 4 लाख वाहन बिकने की उम्मीद है। इसमें 3 लाख के करीब 2-व्हीलर और 1 लाख के करीब कार, कॉमर्शियल व्हीकल, 3-व्हीलर और किसानी से जुड़े ट्रैक्टर्स और अन्य उपकरण शामिल हैं। करीब 3500 करोड़ के आसपास के कारोबार की संभावना इसमें हो सकती है। अधिकतर बिक्री राजस्थान में जयपुर सेंटर से होती है। ऐसे में लगातार पिछले सीजन के मुकाबले इसमें 15-17% की ग्रोथ संभावित है। ऑटोमोबाइल्स डीलर्स का ये भी कहना है कि लोग अब पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सीएनजी वाहनों की ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। साथ में जो हाई वेरिएंट मॉडल्स हैं उनके फीचर्स के हिसाब से भी खरीद लगातार जारी है।
रियल एस्टेट सेक्टर ने भी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए जबरदस्त तैयारी की है। शहर के बिल्डर्स के करीब 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में 5000 के करीब फ्लैट्स और प्लॉट बिक्री के लिए तैयार हैं। साथ ही कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स की भी एक लंबी लाइन है। प्रीमियम विला और प्रीमियम फ्लैट्स को लेकर भी बिल्डर्स उत्साहित है। फेस्टिवल सीजन में फ्लैट, विला, प्लॉट और कॉमर्शियल प्लॉट्स की प्रॉपर्टी की बिक्री जबरदस्त तरीके से हो सकती है। यह कारोबार करीब घोषित और अघोषित तौर पर 4,500 से लेकर 5,000 करोड़ तक का रह सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, घरेलू आटा चक्की की बिक्री अधिक होती है, लेकिन स्मार्ट होम्स के चलते कई ऐसे उत्पाद जो घर की डिजाइन और घर को स्मार्ट बनाने में सहयोगी है, उनकी बिक्री भी इस बार बढ़ सकती है। वहीं बात करें तो ज्वेलरी, राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी का हब है। इस बार सोने के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन ज्वेलरी की खरीदारी में भी बूम आने की पूरी संभावना है। नवरात्रा, दशहरा, दीपावली के साथ देवउठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू होने के चलते ज्वेलरी की डिमांड लगातार बनी हुई है। इस सीजन में राजस्थान में करीब 3,500 करोड़ के आसपास ज्वेलरी, सोने चांदी के सिक्के और अन्य आइटम बिकने की उम्मीद है। इनमें करीब 1,000 से 1,500 करोड़ का कारोबार अकेले जयपुर में होगा। गारमेंट्स के लिहाज से भी इस बार नए वेरिएंट, कई ऐसे ब्रांड उत्पाद जयपुर में अपना स्टोर्स खोल चुके हैं, ऐसे में ज़्यादा बिक्री की संभावनाएं बताई जा रही हैं। डेकोरेटिव लाइट्स, पूजा सामग्री सहित सभी सेक्टर्स में इस बार बूम है। अगर दीपावली की तैयारियों के लिहाज से कहें तो इस बार का सीजन कारोबारी लिहाज से भी बेहतर होने की उम्मीद है। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस दीपावली आपका क्या प्लान है कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। नमस्कार।